चलिए चलिए लगाइए टेबल। इधर इधर ओके, एक मिनट खाली बस सर, फूल को थोड़ा ऐसे घुमाओ, हल्का हल्का से घुमाओ फूल, फूल को ऐसे। हाँ यस यस, थैंक यू। चलिए यहाँ पे, थैंक यू, चल रहे हैं। ओके चलिए, ये भाई यस सब लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे देखिए, सब लोग ऊपर खड़े हो जाएंगे। हाँ ऊपर चलो, ठीक है ठीक है, अरे हमारा चलिए हो गया, चलिए जान सकता है भाई, हमारे कैमरे में आ रहा है पूरा फ्रेम आ रहा है ना। हाँ आ रहा है, मुस्कुराते रहिए, पहले मिल जाएगा संजय जी, आप आओ बीच में। हाँ ओके संजय जी, जिस तरह आज उनका मुहूर्त हुआ, जिस सेंटर में देखिए, इस भजन पूजन के साथ नहीं, मैं भी यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस कर्म को जो है अच्छी तरह कंप्लीट करे और अच्छी तरह बन के दर्शकों के सामने आए। राम लखन भजन जी में आप क्या नाम? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है और इनविटेशन था तो मैं आ गया, बाकी देखते हैं क्या फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म में भी कोई किरदार होगा आपका? नहीं फिलहाल इस, मैं बता ना कि मैं तो एक इनविटेशन था और तो मैं राम के रूप में, बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आगे क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर। तो आने वाली मूवी उसके बारे में बताएंगे, बहुत सारी लॉकडाउन के बाद जब बंद गई है, लेकिन प्रॉपर ये थिएटर जो है हमें खासतौर से सिंगल थिएटर 50% बंद हो गए, इस वजह से जो फिल्मों का रिलीज का सिलसिला जो है वो बहुत काफी स्लो है। तो फिल्में तो बहुत सारी हैं पाइपलाइन में, मुझे लगता है कि 200-250 हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, बस ये कि प्रॉपर अभी सिंगल स्क्रीन ओपन हो जाए, और कभी लॉकडाउन का भी लगा रहता है कि लगेगा नहीं लगेगा, तो उससे भी संशय में रहता है। फिर मैं बहुत सारी ये जो अभी फिलहाल जिन्हें में आ रहा है कि आई मिलन की राज नेशनल यादव जी ने पाली शहबाज खान में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, म्यूजिकल फिल्म पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होगी। अयाज खान ने अपना लुक चेंज कर दिया, कैश के सरराज है और अभी फिल्म कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सारी उसमें कैसा लुक था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेयर को कट किया और थोड़ा सा कलरफुल किया, तो वैसा एक रोल का डिमांड था। अयाज भाई, अयाज भाई इस सिनेमा में तीन हीरो नजर आ रहे हैं, प्रिंस भाई हैं, आदित्य भाई हैं, देव सिंह हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तीनों यंग हैं, टैलेंटेड हैं, आज जो दौर है न्यू जनरेशन का है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अभी सर बात यहाँ हीरो की कर रहे थे, हीरो जो है बिल्कुल नंबर है, ब्रिज भी है बहुत एक अहम किरदार कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ को जैसे कह सकते हैं मनीष जी की आवाज़ का एक पहचान है, तो हमारे लिए कभी आवाज़ भी वो जादू है और बेस है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत अच्छे सिंगर भी है, चार को लेकर सिंगर हाँ अब देखिए चार हीरो दो हीरो, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, राइटर बता पाएंगे, फिल्म के प्रोड्यूसर बता पाएंगे कि भाई चार और दो कॉम्बिनेशन क्या है। मेरी तरफ से उन दोनों को ढेर सारी यहाँ की शुभकामनाएं, श्यामी जी के साथ मैं शायद काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश आदमी को करते रहना चाहिए, और किस्मत डेस्टिनी संजोग इसको बोलते हैं। आपके जूनियर हैं क्रिश शर्मा जी, से कभी डर लगता आपको? नहीं सीनियर नहीं बोल सकते हैं, सीनियर नहीं बोल सकते हैं, डायलॉग को बहुत पढ़ते हैं
और मेरे बगल में ही बैठ जाते हैं, के भाई पढ़ो अगर हमारे कान पे क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग साथ जब सीन करते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं, और नो डाउट ग्रीस में बहुत ही जॉली और मतलब हंसमुख पर्सन, और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ उनकी खासियत है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। आज इतने सालों से हैं और इतने तरोताजा हैं, इतना मतलब 80 तो नहीं 60 के करीब हो गए, लेकिन 20 से लगते हैं। तो ये ईश्वर और अल्लाह की कृपा है। यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारी इंडस्ट्री के लिए बनाई थी, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूँगा। अब तो आप बताएंगे, प्रोड्यूसर बताएंगे, डायरेक्टर बताएंगे, और आपके बाजू में खूबसूरत हसीना बढ़ती है, उनके बारे में भी बताएं। उस किसकी बात है? किस प्रकार का किरदार होगा? बजरंगी नाम टाइटल है आपका। बिल्कुल, जो बजरंगी जी को जानते हैं, इसके पहले भी मैंने किया था एक फिल्म राम कृष्ण बजरंगी, उसमें भी मैंने बजरंगी का ही किरदार किया था। अभी फिर जैन मैं कर रहा हूँ राम लखन बजरंगी। ये तीन भाइयों की कहानी है, राम लखन बजरंगी। एक भाई हमारे देव जी है, एक भाई हमारा अजीत भाई है, मैं कर रहा हूँ। तो एक राम कर रहे हैं, एक लखन कर रहे हैं, मैं बजरंगी। बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, मुझे जब भी किरदार मिलता है मेरे कंफर्ट जोन में ही मिलता है। अब मैं देखती हूँ कब मुझे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलते हैं जो मुझे चैलेंजिंग किरदार ऑफर करे। ये जो कैरेक्टर है वेस्टर्न है, मॉडर्न लड़की है जैसे कि मैं हूँ, तो कोई चैलेंजिंग नहीं है मुझे। नॉर्मल जैसा जैसा जैसी मैं हूँ वैसे ही। जी बिल्कुल, अभी शूटिंग होने में 1.5 महीना टाइम है। रोहित है, रोहित है। मार्च में हम लोग कर रहे थे, रोहित है। अगर सारा क्लियर हो जाए, क्या लुक लेना है, क्या उसके बढ़के अकॉर्डिंग में अपना तैयारी करूँगा। ऐसा नहीं है, एक टैग है मेरा भोजपुरिया बाहुबली, उसको मैं जाना जाता हूँ। अब देखते हैं आगे दर्शक क्या करते हैं। फिल्म में आपके वाला आपके अलावा आदित्य जी है, देव सिंह जी है, गिरीश भैया है, उनके बारे में क्या कहते हैं? गिरीश भैया तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है, और आशीर्वाद रहेगा, हमेशा रहा है, रहेगा। फिल्म भी हम लोग करते हैं, पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं, तो अच्छा देखते हैं काम करें कैसा लगता है। हमारे दोनों भाई है, अजीत भाई है, देव भाई है, एक अच्छा फैमिली और माहौल है, अच्छी फिल्म है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखते हैं कैसा। फिल्म के प्रोड्यूसर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। टाइटल है रामकृष्ण बजरंगी, शुभकामनाएं हूँ। मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं आपके साथ अगर मुझे फिल्म ऑफर हो, मैं आपके साथ भी कंफर्टेबल हूँ। तो मैं कलाकार हूँ, मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। देव जी के साथ मैंने काम किया है, पहली ही फिल्म थी मेरी लोहा पहलवान उनके साथ, तो उनके साथ आदित्य जी के साथ काम नहीं किया है, प्रिंस के साथ भी काम किया है, तो कंफर्टेबल हूँ सभी के साथ। म्यूजिक कैसा फिल्म का बताएं? ये तो हमारे डायरेक्टर बताएंगे, अभी तक मैंने म्यूजिक सुना नहीं है। मैंने भी अभी म्यूजिक सुना नहीं है, गाने आएंगे तो देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर क्रिएटिव है, अच्छे समझदार हैं, अच्छा बनाए। कब से और शूटिंग और कहाँ होगा? मार्च में हम लोग कर रहे हैं जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 1 मार्च से शूट। राम लखन बजरंगी एक टाइटल आप जो बता रहे थे, टाइटल किसके ऊपर जा रहा है? टाइटल तीनों पूरी फिल्म के ऊपर जा रही है, तीनों किरदार हैं, राम लखन बजरंगी तीनों पे जा रहे हैं, हमारे दोनों भाई हैं, मैं हूँ, तीनों पे जा रहे हैं। मतलब किस तरह का संदेश दर्शकों को मिलेगा? ये मॉडर्न
रामायण होता है ना, मॉडर्न रामायण है उसकी कहानी, तो नए युग की 2021 की रामायण है, मॉडर्न तरीके से दर्शाया गया जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे बताया नहीं गया, मैं अपने अपने आप से सोच रही ऐसा होगा। मुझे लगा आप पूछे के काम करने का अनुभव कैसा रहा। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत पारखी नज़र है उनकी, कौन उदास रहता है कौन नहीं रहता फट से पकड़ लेते हैं, हालांकि हीरोइनों पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो उदास रहता तो उनको पता चल जाता, बड़ी पारखी नज़र है उनकी, डायरेक्शन में बड़ा काम करके अच्छा लगेगा, पारखी नज़र है। आपकी क्या राय है? अच्छे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, क्रिएटिव है, काफ़ी नॉलेज है भैया को, पहली बार काम करने जा रहे हैं, बात विचार से बहुत अच्छा लगा, कंसेप्ट अच्छा है, गाने भी अच्छे बना रहे हैं। फिल्म में गिरीश शर्मा जी मूछ लगाए हुए हैं, हाँ उसमें अभी मूछ भी है और खत भी बड़ा किए हैं क्योंकि उरावण बने हैं, मतलब मरने वाले हैं पिक्चर के अंदर, मरने वो तो गिरीश जी के बारे में कुछ और खास बातें बात बाहर से क्या अच्छे हैं, मार्केट में अच्छा होता है, विलेन तो अच्छे तो हो नहीं सकते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है कि जो विलेन हो इंसान अच्छा नहीं है, इंसान अच्छे हैं। दर्शकों से यही कहेंगे क्या बोले, दर्शक खुश रही है फिर जब रिलीज होगी देखिएगा क्या बोले, और न्यू ईयर भी चला गया है, होली आने वाली, होली की शुभकामनाएं। थैंक यू नमस्कार प्रणाम वेलकम। ब्रिदिन मूवीज से इस फिल्म का मुहूर्त हुआ है, टाइटल है राम लखन बचाती, इसके निर्देशक डायरेक्टर साहब है हमारे भैया राजीव राय जी और शशिवाल जी प्रोड्यूसर है शिव पांडे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए अभी जैसे बायस ने बोला ये आपको मॉडर्न रामायण बनने वाली है, लॉकडाउन में फंसते घर पर सब लोगों ने रामायण देखा होगा रामानंद सर, तो ये आपको राजीव राय जी की रामायण मिलने वाली है भोजपुरी में, काफ़ी मज़ा आएगा और साथ में एक रावण भी मिलने वाले हैं। अपने रियल रामायण लिखी होगी या कहानी सुनी होगी तो राम तो हमारी अगली परीक्षा लेते हैं, लेकिन निकालते हैं हर परीक्षा से मुझे हनुमान, तो ये हमारे बजरंगी हैं। अच्छा सॉरी आप हाँ, तो एक तो सीता मैया की रक्षा कितने अच्छे से लक्ष्मण लिखे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं हमारे राम गायब है लक्ष्मण हमारे साथ हैं, तो सीता के कैरेक्टर में कितना चैलेंजिंग क्या तैयारी की आपने खास? एक ये नाम ही बहुत तो बड़ा मैंने रखा है सीता, ऐसे तो आप देखते हैं कि हमारे बिहार झारखंड या कहीं भी हर गृहिणी को ये सीता और लक्ष्मण होता है, और लेकिन ये सीता जी का जो नाम जो हमारे रामायण में पढ़ाया गया है हमें सिखाया जाता है, तो सीता एक टाइटल ही बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और वो चूँकि राजू जी ने मेरे पर प्रेरित किया कि मैं सीता का जो रोल है वो भी निभाऊंगी और भी अच्छा कर पाऊंगी, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल भी है। अदित जी आपके लिए कितना चैलेंजिंग है लखन का किरदार करना? सर हर कैरेक्टर मिले चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मज़ा आएगा चैलेंज में, और लखन एक ऐसा अगर हम रामायण की बात करें तो लक्ष्मण एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने ना सुनेखा का ना काटता ना पूरा रामायण बोला, तो सर काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा इस कैरेक्टर को करने में, और मेरी बड़ा जब मैं बचपन में सोचता था कि मैं हीरो बनूंगा तो बड़ा मैं एक फिल्म आती थी सोचता कि मेरी जब मुझे एडवोकेट का कैरेक्टर बड़ा पसंद है, ड्रीम कैरेक्टर का एडवोकेट का जो मेरा इसमें कैरेक्टर है, तो मुझे मज़ा आने वाला है बिनु का, बिनु मेरे लिए चले गए बिनु को रामानंद सागर की रामायण और इस रामायण में क्या बिनु दो ले दो, और रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो हमारे रामायण से इंस्पायर थी, उसमें राम लखन भाई बजरंगी राम लखन थे, इसमें राम लखन बजरंगी जो कि बजरंग बली जो थे रियल में बोलो तो राम जी के परम अपने भाई से बढ़ गए थे, तो इसमें राम लखन बजरंगी तीनों आपको भाई ही मिलने वाले हैं। फिल्म में रावण ने गिरीश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, भोजपुरी की मेरी शुरुआत बहुत रेयर लोग ही जानते होंगे, और एक फिल्म थी उनकी उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था पुरानी बात है उसके बाद, और मैं उनके साथ एक तकरार फिल्म करने जा रहा था, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार मेरे उस फिल्म में तुम थे, तो गिरीश जी से मेरी मेन वहाँ से एक अच्छी पहचान है, काफ़ी अच्छी ह्यूमन बींग है, अच्छे हैं, गार्जियन तुल्य हैं,
हाँ मतलब देख रहे हैं तो उम्र में भले ही जो भी पर है गार्जियन तो उम्र में छोटे हैं ना आपसे। हाँ उम्र में बहुत छोटे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे गिरीश जी के लिए? एक्चुअली हम लोग मामला के बहुत पुराने दोस्त हैं लेकिन ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी गिरीश के साथ और एक यहाँ से जुड़े हुए हम लोग पारिवारिक मतलब अपना एक रिश्ता नहीं है लेकिन इसमें प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं तो वन ऑफ मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। प्रिंस जी है, पायस जी है, देव भाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देव जी के बारे में ये बोलूँ बहुत सुना है उनका अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके। पायस एक अच्छी अभिनेत्री है, मेरी फैमिली है, हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल एंड सब टीम के मेंबर के साथ में मेरे ख्याल से मैं पहली बार जुड़ रही हूँ और बस पायस के साथ ही पहले से हम सारे काम कर चुके हैं। मेरी एक्साइटमेंट है कि एक अच्छी मतलब फैमिली मूवी बनने वाली है। और आदेश जी आपकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं? अभी तो काफ़ी सारी फिल्में रिलीज पे हैं, दूल्हा दुल्हन है और दूल्हा तैयार दुल्हन फरार है, तो काफ़ी कॉमेडी फिल्म है इसमें मैंने अलग कैरेक्टर काम किया। फिर उसके बाद कर्जा माई माटी के है और रजिया बालम है, 8-9 फिल्में हैं, नाम से निकल जाता 8-9 फिल्में कंटिन्यू रिलीज पे हैं। वैसे सवाल पूछना चाहिए या नहीं लेकिन फिर भी मैं पूछ देता हूँ, रियल रामायण में जो लक्ष्मण है क्या इस फिल्म में लक्ष्मण वही रहेंगे? रियल जो रामायण बनी थे उसमें भक्त थे माता सीता के रोल थी लक्ष्मण जी, आप इस रोल में क्या कह सकते हैं? टाइटल ही ऐसा है, टाइटल से ही नोन है कि ऑफकोर्स भक्त ही होंगे और पूरा भक्त कैरेक्टर ही होगा और फिल्म जो है पूरी हमारी पारिवारिक तामझाम पूरे पारिवारिक माहौल पे ही होगी, वैसा ही कुछ होने वाला है। हाँ कुछ मॉडर्न तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा, कुछ फैमिली ड्रामा होगा इसमें, कुछ चीज़ें होंगी जो इंस्पायर उससे होगी पर प्रेजेंटेशन आज के हिसाब से होगा जो हमारी ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। जुड़े रहिए हमारे फिल्म पे, दुआ कीजिए और बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है, काफ़ी सारे फिल्म आने वाली हैं, इंजॉय कीजिए सब। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा से ये होता है कि आप आप फर्स्ट टाइम देव सिंह के साथ काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे राम के किरदार में? क्योंकि देव जी की तारीफ सुनती रहती हूँ सोशल मीडिया पे, अक्सर इनके तारीफ होती है और एक अच्छे एक्टर के साथ साथ सुनती हूँ, ये बहुत अच्छे दिल से बहुत अच्छे इंसान है। हम पहली बार काम पहली बार मिले हैं लेकिन हमने सुन रखा है बहुत खुश हो चुका था और अभी अभी इनके अपोजिट मुझे ऑर्डर मिला है तो एक है कि एक अच्छे चैलेंजिंग मेरे लिए देव जी क्या खास तैयारी की है आपने राम के लिए? पहले बताओ ये राम किरदार है, राम भगवान किरदार नहीं है, आपको पहले इसको समझिए, सीता बन रही सीता माता की किरदार है, सीता सीता नाम है किरदार है। अभी इन्होंने फिल्म के लिए छठी माँ छठ माई नहीं है तैयारी भी कुछ नहीं है, वहाँ पहला दिन है पहला है, आप देखो सच्चे स्क्रिप्ट लूंगा देखो सच्चे देंगे कोई माँ की शूटिंग होगी तो तैयारी तब जब मैं स्टेज पर जाऊँ तब मेरी तैयारी होगी कि मैं मेरी तैयारी अभी से मेरा कोई मतलब है और हमारे लिए तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमको बांट के रखे मैं विले हमको कलाकार क्यों नहीं समझते? अब मैं अभी सीजन कर रहा हूँ पीछे मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ उसमें पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, मैंने पहले भी फिल्म अभी देखिए रंजीत पटेल बैठे हैं मैंने एक पॉजिटिव रोल किया है तो मेरे लिए कलाकार माने लगता है
अब ये है कि मैं विलेन बनूंगा तो आपको उसमें से कभी नहीं दिखा कि मैं विलेन नहीं हूँ। मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ और मैं बॉम्बे आया था कलाकार बनने ना ये तो बनने में और चीज का क्यों नहीं करना है सोच तो रहे राहुल फिल्म में आपके दर्शक है जो आपके चाहने वाले वो आपको निगेटिव किरदार में देखते हैं तो जो जिन किरदार में आपको लगता है एक्सेप्ट कर पाएंगे मुझे जो बाबुल देखी है उसके पहले मैंने देखी है चंदर पड़े रहे दो तीन ही फिल्में मैंने देखी आपको मेरा काम कैसा है काम तो अच्छा लगा नेगेटिव तो ज्यादा देखा है आपने तो लगता है वो कभी चाहिए इसमें भी क्या चंद्र पड़े गंजा मैंने बड़े भाई का बात किया जुगनू में मैंने पढ़ा है मेरे प्रतिपल जुगनू के बड़े भाई का नाम है आप फिर देखिए मैं भी फिर क्या वहां का बना है लाइक इट यू तो बहुत अच्छा मेरे लिए वो नहीं इंपॉर्टेंट है देखिए क्या होता है हम लोग मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं कलाकार मैं धन्यवाद दूंगा डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने पता नहीं कितनी मेरी फिल्में देखी हैं कि नहीं देखी हैं लेकिन उन्होंने अगर मुझे इस किरदार में चुना है तो मुझे अभिनेता के तौर पर चुना हो विलेन और एक हीरो के माध्यम से नहीं चुना उनका किरदार में लगता था कि राम की पर्सनैलिटी ऐसी होगी राम मेरा ऐसा नहीं देखा तो उन्होंने ऐसा नहीं चुना होगा जैसे उनको सीता ऐसी चीज में उनका चुनाव तो हम भी वही करते हैं कि किरदार अगर निर्देशक चुना करते हैं फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनके बारे में क्या कहते हैं बहुत सज्जन पुरुष है बहुत आध्यात्मिक है मुझसे मैंने राष्ट्रीय रिस्क के बारे में राजीव जी से मेरी जो है एक ही दो मुलाकात है जैसे आर्टिस्ट जैसे मैंने बताया बहुत चैलेंजिंग है आपकी का किरदार है आप पूरे घर को परिवार को लेके चलती हैं तो उन्होंने मुझमें देखा सीता जी जिसके लिए मैं क्योंकि मुझे और चूँकि फर्स्ट मतलब काम करूँगी मैं आपके साथ आप दोनों से क्या आखिरी सवाल फिल्म में रावण के किरदार में गिरीश जी है रावण बने कैसे फसाए हुए आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं बड़ी सी बात है गिरीश जी को सबको सब लोग चलेगा देव बाबू तो कम से कम नहीं चलेंगे मैं ये बोला रावण रावण है कि कैसे पता है मैं वही बात बोल रहा हूँ कहानी राम लखन बजरंगी है लेकिन राम और लक्ष्मण भरत बजरंग बजरंग बली कहानी नहीं है या आज हम एक तीन भाई कहानी जिनका नाम जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम है रामायण उनके उनके घर में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न उनके घर में लोग रामायण नहीं है ये भी वैसा ही है तो हमारे गरीब भैया इस फिल्म में कमाए का किरदार कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है वो इतने पॉजिटिव आदमी है कि उनके साथ जब भी मिलो ना उनको मैंने कभी डाउन में कभी नहीं देखा हूँ हमेशा चार रहे अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी मेहनत करते हैं ऐसे आदमी साथ काम करते हैं कि हम खुद चाहते रहेंगे और वो हमारे मैं उनसे मिला था एक टीवी सीरियल के दौरान जब ये उसमें मिलन मिलन थे और मैंने मेरे बहुत परम मित्र हैं विशाल सिंह शो से उनका आने वाला था और मैं उस फिल्म में पीछे का रोल जल्द अटैच बना था सीरियल और जब मैंने डायलॉग बोला तो यही सर मेरे को बोले तुम इधर आओ डाकर तो आ रहे तो मैं कहीं यहाँ तुम तो बहुत बढ़िया बचपन बोलते तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो तुमको मैं उसकी फिल्मों में ले जाऊँगा तो मैं आप उनका मैं पीछे ढूंढा कि गिरीश जी का आदमी मैंने उनको देखा फिल्म में भोजपुरी तो हमारी मुलाकात तब से और भैया सीनियर एम बड़े भाई हैं हमेशा संगति भी बहुत जरूरी है आपको अच्छा सीखने को मिलता है हम जितने नेगेटिव जोन में हो जाते हैं कभी कभार हम पॉजिटिव लोगों में जोन आपके छोटे भाई के किरदार में आदित्य जी है उनसे बात पूछिए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके साथ आपने काम किया देखिए भाई बहुत छोटे भाई वो हमारे सिवान के हैं मैं सब आस पास काफ़ी फिल्मों में हम लोग ट्राई किया उन्होंने बहुत ट्राई किया हमारे साथ फिल्म में हो ही नहीं पाया कभी वो हमेशा मुझे याद करता जी इस बार काम करेंगे भाई बन के भाई हैं भाई बन के काम करेंगे और अजित मोहन के साथ मैंने एक फिल्म की थी उसमें उनका एक गेस्ट अपना उनका बहुत बढ़िया है इंस्पेक्टर तो हमारी वैसे जी लगा लेकिन ऐसे मिलते जुलते रहते हैं।
आमिर जी के साथ मैं पहली बार मिला, पहली बार काम किया, पायस जी के साथ तो मैं युवा पहलवान हूँ, मैं हिंदू के ही है किस करेंगे, और इस फिल्म में केमिस्ट्री ही भाई की भाई चलिए तीन हीरो करेक्टर अलग अलग। अब हम इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बता दी पूरी कास्ट, राम देव जी कर रहे हैं, लखन आदित्य मोहन जी कर रहे हैं, बजरंगी प्रिंस बाबू कर रहे हैं, सीता के रोल में श्यामली जी हैं, पायस पंडित जी आप एक कैरेक्टर हैं जो बजरंगी के प्लेयर में, और मैं विलेन के रूप में हूँ, और इसके अलावा भी हमारे कोई नहीं बताया हमारे इस फिल्म के राइटर हैं राजीव जी और डायरेक्टर भी उन्होंने इस कहानी को लिखी है, और इसके बाद प्रेम सागर जी म्यूजिक डायरेक्टर है, हमारे प्रोड्यूसर है सुमन पांडे जी ऋषुमन पांडे जी, ये हमारी पूरी तालिबानी पूरी कास्ट है, संजय पटियाला पिया ये मेरा पूरा परिवार अभी है, राम लखन बजरंगी का मेरा पूरा परिवार है। अब किस तरह देख पाएंगे आपको इस फिल्म में, किस तरह का रोल आपका? हम विलेन के किरदार में, विलेन में भी कुछ ना चेंज रहता ना हर बार, कोई ऐसा चेंज नहीं है, विलेन तो वही रहता है, इस बार राजा विलेन है या भिखारी विलेन? नहीं राजा विलेन, राजा विलेन, क्या मैं भिखारी दिखता हूँ संजय कभी आपने राजा विलेन बोलना था तो बांटना पड़ता है ना, पूरी कहानी इसलिए नहीं बताएंगे कि हमारे जब पड़ेगा आसमान दिखा, कहानी मैं पूरी इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमारे राइटर डायरेक्टर साहब जब आएंगे मंच पे तो पूरी बातें गिरीश जी, हालांकि पूरी कहानी मुझे सुनाई गई है, मैं सबका कैरेक्टर जानता हूँ, सब लोग अपनी जगह पे बहुत बढ़िया कैरेक्टर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो जहाँ आता है ताली लेकर के जाएगा, चाहे देव बाबू हो, चाहे प्रिंस बाबू हो, चाहे आदित्य बाबू हो, जहाँ सीता मैया आती है, जहाँ उर्मिला आती है, वो ताली लेकर चली जाती है, मैं आपको एक विश्वास के साथ दिला रहा हूँ, एकदम कहीं से कहानी इतनी अच्छी है, तीन चार बार मैं डायरेक्टर साहब से सुना पूरी कहानी, कहानी इतनी है कि अभी हम काफ़ी समय से हम फिल्म कर रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी फिल्म मैंने नहीं की है, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, कब से होगी? हम फिल्म की शूटिंग 1 मार्च से जौनपुर में कर रहे हैं। सर आपको आपको भोजपुरी इंडस्ट्री ने अमरीशपुरी बना दिया, कभी जितेंद्र बनने की कोशिश की? नहीं सर, अमरीशपुरी महान सर, बहुत हम विभाग बोलते हैं, सब लोग लिखते हैं ए स्टार वे स्टार, नहीं सर अमरीशपुरी मैं जीवन में नहीं, मतलब मेरा क्या कभी महान था, अकेला अमरीशपुरी है, अगर मैं उनका इतना भी हो जाऊं तो अपने आप को इतना नहीं समझे, सबसे बड़ी चीज है कमेंट नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं सर? कभी हीरो के लिए ट्राई किया आपने? या कोई एक फिल्म है जो मैंने हीरो बना था सैया बेदर्दी, लेकिन उसमें भी विलेन कैरेक्टर सतनाम कौर हीरोइन थी, नेट पर भी फिल्म है, और उसमें भरत कपूर जी विलेन थे, बिल्कुल कॉमेडी, बाबा जागीरदार का म्यूजिक था, लालजी यादव जी उसके, लेकिन वो ऐसा एक विलेन टाइप का ही कैरेक्टर। अपने किरदार में कितने खो जाते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको कोई विलेन बोले तो बहुत अच्छा लगता है? सर वो तो डायरेक्टर का, मैं एक्टर, मैंने तो विलेन के अलावा भी गंगा देवी में एक अलग रोल किया, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अभी सचिन यादव जी की फिल्म में एकदम पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ, मैंने हर किरदार को छू लिया, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं, अमित जी के साथ गंगा देवी में तो मैं लंगड़ा बना हूँ, चार फुट का हूँ, विकलांग हूँ, सुतलाता हूँ, पैर से भी विकलांग, हाथ से भी विकलांग, मैंने हर कैरेक्टर को छू लिया है, कोई ऐसा शौक नहीं, तो जो कैरेक्टर मिलता है मैं यही बोलूँगा कि उसमें मैं जो भी कैरेक्टर। जैसे आप फिल्मों में रोल करते हैं वैसे मुंबई के सड़कों पे घूमते हैं, कोई डरता नहीं आपसे? नहीं ऐसा क्यों डरेगा, पर्दे के विलेन है भाई, किसी फिल्मों में मैं विलेन नहीं हूँ ना विलेन लगता है। नहीं जो घर की औरतें बेटी को देखती होंगी फिल्मों में गुंडा है किरदार, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? क्या मैं ऐसा थोड़ी लगता हूँ, ऐसा ही पर्दे का विलेन निजी जिंदगी में विलेन है। कोई ऐसा किरदार है जो आपको ड्रीम प्रोजेक्ट होगी मुझे करना है वो आपको आज तक नहीं मिला? मैंने कर लिया हर करेक्टर को, तो मैंने कर लिया, कोई ऐसा है? इसमें भी मुझे समझिए कि राम का ऑफर था लेकिन मैंने उसी करेक्टर को मैंने किया। आपका प्रिंस कोई ऐसा जो स्टोरी हो जो आप क्लास कर रहे हो मुझे ये रोल मिले? जी बिल्कुल, काम भी कर रहा हूँ। क्या है ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब जो सोच है कि आपके लिए बनना है? हाँ उसके लिए हम लोग अभी बहुत वर्क कर रहे हैं, कहानी लिखा रहे हैं, चीजें लगेगा पता ना, फिर हम खुद आप लोग के सिस्टम से हम ना। फिटनेस आइकॉन जाने जाते हैं आप, तो फिटनेस की क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? बिल्कुल अपना वर्कआउट करता हूँ मैं, टाइम से सोना चलना उठना, मैं शरीर में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसी हिसाब से Press the bell icon on the YouTube app.
and never miss another update.